इसीलिए ये मेरे पे थ्रेड कर जताता है आके, ये बोलता है इस शब्द को। मेरे माँ बाप को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। दुख होगा मुझे अगर उन्हें कुछ होता है तो, मैं नहीं डरता। मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। मैं तैयार हूँ, एलिगेशन 77 के झेल रहा हूँ, 54 के झेल रहा हूँ, 76 के लगाएंगे उन्हें भी झेलूंगा। जेल 15 साल जॉब सेना की करके आया हूँ, काट लूंगा 20 साल। देखे हैं वहाँ बढ़िया तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पंखे में सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं। मैं तो बर्फ में रह के आने वाला आदमी, कोई दिक्कत नहीं, तैयार हूँ भाई। मैंने जो खड़े होके बर्फ के अंदर सब जगह खड़े होके जो मैंने पैसा कमाया, मैं नहीं छोड़ूंगा एक रुपया भी। मैंने दबाव बनाया उस ससुराल वालों पे कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने गलत किया है मेरे साथ। वाइफ से कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं दुखी हो रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या चाहिए तुम्हें, पैसा ले लो, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहा नहीं नहीं ये तुम्हारे माँ बाप गलत है, ये गंदे लोग हैं, ये है वो है। मैंने चुपचाप रहा, मैं कुछ नहीं, मैंने कहा घर चल जाए, किस लिए इसको तोड़ना। मैंने कहा पैसे को बीच में नहीं लाते हैं। 5 दिन के बाद मेरे ऊपर 377 के एलिगेशन लगा देते हैं, मेरे पापा के ऊपर 354 के एलिगेशन लगा देते हैं। मैं टूट जाता हूँ, मैं बिखर जाता हूँ। मैंने कहा यार ये तो आपकी मिसेज जो आपके खिलाफ एक कंप्लेंट देती है, एक कंप्लेंट FIR, पुलिस थाने वाले सारे सपोर्ट कर रहे थे, कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट हो जाती है। 354 377 का एलिगेशन लेके मैं नवंबर तक घूमता रहता हूँ। मैंने कहा यार ये तो किसको क्या बताएं, किसी को कह भी नहीं सकते, किसको क्या बताओगे? कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई पूछ भी लेता था कि हाँ भाई क्या हुआ, बच्चे आ गए? मैं कहता हाँ आ गए, क्या कह, नहीं कह सकते कुछ भी। एलिगेशन क्या है, इतने गंदे एलिगेशन, किसको सफाई दोगे? वही पुलिस वाले जिन जो मेरे से राम राम करते थे वो मुझे सलाह दे रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर मैं गया हॉस्पिटल, गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अपनी मैंने एमरजेंसी कराई, सब कुछ कराया, जिसमें मेरी ग्रीवियस इंजुरी आई, ग्रीवियस इंजुरी आई। इतने से पीछे पत्नी सारा सामान वामान भर के, थैलों में भर के सारा सामान वामान भर के, उधर मेरी माताजी के साथ इन्होंने बदतमीजी करी, मारपीट करी इन्होंने मेरी माताजी के साथ। उनको पता चला, फिर मेरे पिताजी उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। मैं परेशान, मैंने कहा यार जिंदगी खराब हो गई। ये रही औरत और ये मेरी पिस्टल इस लॉकर के अंदर है, इसकी चाबी नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर मेरी पिस्टल रखी हुई है। और ये रहे, मैंने पूरा सामान भी निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, पर ये पिस्टल नहीं दे रहे मेरी लाइसेंस की पिस्टल। ये आए इसका, ये इसका इसका दबंग भाई, एक इसका दबंग भाई है जो बाहर आया है, ठीक है। ये हो रहा, ये इसके पास इतनी बंदूकें, इतनी गोलियां हैं, इसकी गिनती नहीं है। इस आदमी ने औरत कर रखी है, इसीलिए ये मेरे पे थ्रेड जताता है आके, ये देख लो, ये बोलता है इस शब्द को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं कलकडूमा कोर्ट में हूं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में हमारे एडवोकेट साथी बैठे हैं। 2-3 दिन से कोर्ट में हड़ताल है, वकीलों की हड़ताल है, काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। हमने मामले की गंभीरता को जानने की कोशिश की कि आखिरकार कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है क्यों, कोई बड़ा कारण है, छोटा कारण है, कोई हमेशा पुलिस के साथ टकराव जो है वो रहता है, तो पुलिस के साथ कोई टकराव है, कोई विवाद है। तो जो बात हमें मालूम चली है, वो वकील साथी हमारे साथ में बैठे हैं, इनका पारिवारिक विवाद है। अब आप समझिए कि पारिवारिक विवाद है और पारिवारिक विवाद जो है वो कोर्ट तक आया है, कोर्ट में मतलब विचाराधीन भी नहीं है लेकिन थाने तक का मामला, लेकिन कोर्ट के जो वकील हैं और जिनकी अपनी एसोसिएशन है वो उनका साथ दे रही है। पूरा मामला क्या है मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए। पहले नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। अमित सिंह जी, वकालत के पेशे में कब से हो? सर मैं अपने बारे में बताना जी, हाँ बताइए। आई हैव 15 इयर्स सर्विस इंडियन आर्मी, ड्यूरिंग सर्विस आई हैव कंप्लीटेड माय एलबी एंड माय फादर इज ऑलरेडी रिटायर्ड इन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जी। और मैं ड्यूरिंग सर्विस से मैंने अपनी वकालत करी और 2016 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और 2016 से मैं इंसिडेंट्स के बारे में अगर कहें तो मैं डिटेल से बताना चाहूँगा। 2007-08 का मेरा विदेश टूर भी है, मेरा विदेश टूर भी रहा है मेरा शादी से पहले। मेरी 2009 में मेरी शादी हुई थी, शादी से अच्छे संबंध थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा था। मेरे एक लड़का 12 साल का है, एक 3.5 साल का लड़का जी। दिक्कत जब मैं पेंशन आता हूँ जब से शुरू होती है। कैसे दिक्कत शुरू होती है? जो मैंने पैसा अपना इकट्ठा किया, जो मैंने अपना जो विदेश से लेके आया, जो भी लेके आया, हमने 2012-13 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, जो मैंने अपनी, जो हर कोई आदमी जो होता है फौजी आदमी, मैंने वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम से खरीदी। 100 गज का प्लॉट खरीदा मैंने वाइफ के नाम से, उसमें मैंने पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद 2016 में जब आता हूँ मैं, घर आता हूँ, मैं वकालत की अपनी तैयारी कर रहा होता हूँ, इंटर्न होता हूँ, इतना सीख रहा होता हूँ, मेरे घर में नोटिस आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। मैं देखता हूँ, मैं हड़बड़ा जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये नोटिस कैसा है?
मैंने जैसे ही नोटिस को खोल के देखता हूँ, उसमें लिखा होता है कि जी रिकवरी का होता है वो होता है 62 लाख का। मैं वाइफ से कहता हूँ ये क्या, उसने कहा जी कुछ नहीं है तो ऐसे ही है क्या, पर मैं डर गया। मैं नोटिस किसके नाम से होता है, आपके नाम से, मीनाक्षी के नाम से, आपकी मिसेज के नाम, मीनाक्षी के नाम, आपकी मीनाक्षी, आपकी मिसेज का, मेरी वाइफ के नाम से। फिर मैं उस नोटिस को लेके कनॉट प्लेस जो उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं उसका जो हेड थे उनसे मेरी बात होती है, मैंने कहा सर ये नोटिस आपने भेज दिया, उनके जी हाँ जी भेजा है, ये DRT के अंदर केस चल रहा है आपका, आप पेश नहीं हुए हो। मैंने कहा जी किस चीज़ का, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, प्रॉपर्टी तो आपकी वाइफ ने मॉर्गेज कर दी है, प्रॉपर्टी की तो आपकी वाइफ ने आपके भाई जो उनका भाई था सी बाबा इंटरप्राइजेज वो फ्रॉड कंपनी उन्होंने खोली और उसकी उस प्रॉपर्टी पर 40 लाख का उन्होंने लोन लिया और लोन लेने के बाद आज वो 62 लाख का होगा। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो सीनियर था मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा सर मैं 25 लाख का आदमी, 30 लाख का आदमी, मैं 62 लाख मैं डर गया। मतलब आपकी जो मिसेज के नाम पे आपने जो प्रॉपर्टी की थी 2012 में रिटायरमेंट से पहले, वो प्रॉपर्टी आपकी मिसेज ने अपने भाइयों को, यानी आपके सालों को मॉर्गेज कर दी और आपके सालों ने उस पर 40 लाख का लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं मेरा कुछ। और जब नोटिस आया तो आपकी मिसेज ने कहा कि नहीं ये तो वैसे ही है, ये वैसे ही है, मतलब आपकी मिसेज जो कहीं ना कहीं आपके साथ वो फ्रॉड कर रही है, आपके साथ चीटिंग कर रही है। फिर मेरे साथ हुआ, फिर मैंने उसके पैर पकड़ लिए। पहला केस मैंने जो लड़ा कटकडुमा के अंदर, वो अपनी वाइफ का लगा DRT के अंदर, DRT के अंदर केस लड़ा, एक एसोसिएट के हाथ जोड़े। मैंने कहा चलो यार मुझे नॉलेज नहीं है, वहाँ जाके मैंने बात करी, मैंने कहा भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसको सेटल करो कैसे भी करके। उन्हें कैसे तैसे करके, बड़े अच्छे आदमी थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ उनका, उन्होंने उस मैटर को सेटल कराया। थर्ड पार्टी ने किसी ने, वो मैंने दबाव बनाया उस ससुराल वालों पे कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने गलत किया है मेरे साथ, वाइफ से कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट उन्होंने कर दिया। जब सेल आउट होने के बाद वो मैंने कहा भी मेरा पैसा चाहिए। नहीं, आपने जो बैंक से सेटलमेंट कितने पैसे में हुआ? बैंक से सेटलमेंट हमारे जो दबाव था, बैंक से सेटलमेंट हुआ 28 से 30 लाख में, क्योंकि पैसा जो तीसरी पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि जी हम इस प्रॉपर्टी को बिकवा देंगे दूसरे आदमी से, किसी दूसरे पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा, बैंक ने कागज उसके नाम कर दिए। मैंने ससुराल वालों के ऊपर दबाव बना के रखा कि मैं, मतलब आपका कहने का मतलब ये था कि वो प्रॉपर्टी जो लोन था वो तो प्रॉपर्टी बेच करके चुकता कर दिया, चुकता कर, लेकिन जो आपका पैसा था जिस पैसे से आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैंने जो भाई मैंने जो खड़े होके बर्फ के अंदर सब जगह खड़े होके जो मैंने पैसा कमाया, मैं नहीं छोड़ूंगा एक रुपया भी, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ये जो प्लॉट आपना, प्लॉट जो आपका सेल हुआ है, ये कब की घटना है जो आपने बैंक से सेटलमेंट हुआ है? ये बैंक से सेटलमेंट की घटना है 2016 से, मैंने DRT का केस लड़ा, ये 17-18 में मैंने, 17 के आसपास मैंने उसको सेट करा, मतलब 17-18 में, 16-17 में आकर के, 2018 में आकर के आपने उसको सेटलमेंट की डीड की कॉपी, DRT के अंदर जो मैंने केस लड़ा उसकी कॉपी, मेरा वकालतनामा, मेरा सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। मेरे को आश्वासन देते रहे कि देंगे जी, आपको करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मैं चुपचाप, मैंने कहा जी चलो देंगे, मुझे पैसा देंगे। कितने पैसे की रिक्वायरमेंट मतलब आपकी मांग थी? भाई मेरा तो 15-20 लाख का बनता है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा जी मुझे मेरा जो पैसा बनता है मुझे वो मेरा पैसा दो, मेरे को जितना बनता है मेरे को दो। उनका जी तुम्हें जब दिए थे ये दिए थे, मैंने कहा मुझे कब दिए थे, मुझे दिए तो कुछ रिसिप्ट दे दो भाई, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बात चलती रही, उन्होंने कहा कि दिवाली पे आपको हम पैसा दे देंगे 2021 को। जब मैं पैसे की डिमांड करूं, जब मेरे घर में क्लेश होना शुरू हो गया, मेरे बुड्ढे माँ बाप हैं, मेरे पापा रिटायर्ड हैं, सीधे लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मेरी मम्मी खुद रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड नहीं है, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लाइब्रेरी साइंस, मेरी मम्मी लाइब्रेरी साइंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पढ़े लिखी फैमिली है पूरी, पढ़े लिखे होने के बाद भी ये हो रहा है। फिर क्या होता है, उनके साथ मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, घुटने में भी रॉड लगी हुई है, जीने पे तेल गेर देना, पानी गेर देना। कौन ये घटना कौन कर रही है जी? ये वाइफ कर रही है। अच्छा, मतलब आपकी वाइफ जो है वो आपको तरीके से टॉर्चर, आप अगर उसके पीहर वालों से पैसा मांग रहे हैं तो वो आपको टॉर्चर कर रही है। मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ, समस्याएं बढ़ती गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। दिवाली पे आपका पैसा मिला आपको? कुछ नहीं मिला मुझे, मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने दबाव बनाया कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, जब मैंने कहा पैसे को तो छोड़ दो, नहीं चाहिए पैसा, साला ऐसा पैसा नहीं चाहिए पैसा। मैंने 16 साल का था, मैं 16.5 साल का, मैंने जब भी जॉब पे लग गया था, मैंने दिल्ली में टॉप किया था इधर जो इंट्रेंस में, तो मैं उसी टाइम पे पेन का पैसा तो मैं जिंदगी भर बचपन से कमा रहा, नहीं चाहिए पैसा। मैंने डिसीजन लिया कि भाई, मैं मम्मी रोने लग गई कि भाई मेरे पास नो, मेरे को अभी भी याद है, देर दिन तक याद है मुझे, मेरे पास मेरी माँ का फोन आया, 8 तारीख की घटना है, मेरी माँ का फोन आया, रोने लगी कि मेरे को तू मारेगा, तेरी पत्नी गालियाँ दे रही है, बदतमीजी कर रही है, मेरे ऊपर छाती में थूक रही है मुँह पे। मैंने कहा यार इतनी बुरी हालत है,
मेरे को बुरा लगा, मैंने फोन किया, मुझे गाली देने लग गई। मैंने कहा अब क्या किया जाए सोल्यूशन। मैंने कहा कि चलो घर में कैमरे लगवाते हैं। मैंने जीएसटी से प्रॉपर बिल लिया, सब कुछ है। मैंने कैमरे वाले को बोला, उसने कहा जी खर्चा आएगा 27-28 हज़ार का आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं पैसा दूंगा आपको, आप कैमरे लगाओ। 9 तारीख को कैमरे वाला पहुंचता है कैमरे लगाने के लिए। मैं कोर्ट में हूँ, मेरी यहाँ मैं कोर्ट में लगा हुआ हूँ, परेशान हो रहा हूँ। पैसा तो पैसे से ही आएगा, मेहनत करने से आएगा। मैं जैसे ही कैमरे वाला आता है, कैमरे वाला कहता है जी आपने मेरा दिन खराब कर दिया, कैमरे लेके आया, तुम्हारी पत्नी धमका रही है, सुनने नहीं दे रही है, गालियाँ दे रही है गंदी गंदी। मैंने कहा मेरा घर, मेरी स्थिति इतनी बुरी हो गई है। मैंने कहा भाई मैं आता हूँ, रुक जा, जब भी जाना मत, रिक्वेस्ट है। उसने कहा जी मेरी दिहाड़ी 1000 रुपये चढ़ गई है, मैं तो 1000 रुपये लूँ आया हूँ। मैंने कहा 1000 रुपये इसके चढ़ेंगे? मैंने कहा नहीं भाई, तू रुक जा, मैं आता हूँ। मैं अपना यहाँ से काम छोड़ के 4 बजे घर पे पहुँचा। 4 बजे पहुँचा, जैसे उसको बुलाया तो कैमरे उसकी भी वीडियो की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कैमरे वाला आया, कहते हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं चोरी से ऐसे बनाता रहा था धीरे से करके। वो गालियाँ दे रही है कि ये भाई तुझे मार दूंगी, घुस मत जियो, देख लियो, फिर वार्न नहीं किया था, इस तरीके से गंदी गंदी यूज़ कर रही है। उसने उसी टाइम अपने भाइयों को फ़ोन मिलाया, इसके भाई गुंडे प्रवृत्ति के हैं, पहले भी केस चल रहे हैं दिल्ली पुलिस में, कहता है मेरी DCP तक जान पहचान है ये वो। मैं सोच रहा हूँ भैया चलने दो, किस लिए, हमें क्या, मुझे परिवार चलाना है, बच्चा मेरा 3.5 साल का है, मैं उसको देख लेता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। नहीं चाहिए पैसा, चाहिए ही नहीं था, मैं उसको देख लेता था, उसका चेहरा नहीं चाहिए पैसा। फिर साले आ जाते हैं दमंग भाई, आते हैं मुझे मारते हैं। ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ, मैं 10 नवंबर की बता रहा हूँ, 9 नवंबर की। मेरे साथ मारा पीटी करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, खून आ जाता है मेरे मुंह से, ये वो। मेरी माता जी को भी बदतमीजी करते हैं। मम्मी थी मेरी और कोई नहीं था। मैं फिर थाने जाता हूँ, वकील हूँ जानता हूँ कानून में, थाने जाता हूँ। थाने पहुँचता हूँ तो थाने वाले कहते हैं वकील साहब आपके मुंह से तो नाक से खून आ रहा है, आप अपनी भैया कहीं डॉक्टर को दिखा दो। मैंने कहा नहीं, मेरे तुम कंप्लेंट लिखो, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, मैं 2 दिन जैसे घर पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी लाइसेंसी पिस्टल जो मैंने करा रखे, वो मेरी पत्नी मेरे लॉकर से पिस्टल तक भी ले जाती है। मैं कॉल करता हूँ, फोन नहीं उठाती, मैं परेशान, मैं थाने जाता हूँ। मैंने कहा जी मेरी लाइसेंसी पिस्टल है, ले गई, ऐसा जो कोई साथ नहीं देता जी, कंप्लेंट दे दी ना आपने। मैंने कहा जी उससे तो मर्डर भी हो जाएगा, आप तो ऐसे कह रहे हैं। मैं रोता हूँ उसके सामने, कुछ नहीं, मैं बैठा 12-12 बजे तक बैठा, क्या हाँ हाँ जी आ जाएगी। जब मैं खूब परेशान हुआ, वकील भाइयों को लेके गया, यार मेरी हेल्प करो, पहुंचा, उन्होंने हेल्प करी। जब पुलिस SHO कहता ठीक है जी मंगवाते हैं आज, फिर वो वहाँ से भेजता है लेडीज कांस्टेबल, मेरी पिस्टल आ जाती है थाने में। फिर मेरे को ऊपर दबाव बनाते हैं कि इस पिस्टल को लेके जाओ, आप लेके जाओ इस पिस्टल को। मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊँगा। फोन आते हैं मेरे पास, SI मनदीप का कॉल आता है, SI रवि का कॉल आता है, देवल लेडीज कांस्टेबल ASI देवल है उसका स्पेशल कॉल आता है, आ जाओ नहीं तो इसका हरजाना भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने 15 साल हरजाना ही भुगता है, देश की सेवा करके आया। मैंने कहा मैं हरजाना भुगतूंगा, करो क्या करोगे मेरे साथ। 5 दिन के बाद 12 तारीख को पिस्टल की रिकवरी करते हैं, चलता रहा। मैंने कहा कानून से लड़ूंगा, कानून से। मैं अपने कागज यहाँ तैयार कर रहा हूँ कि जो भी मैंने जिस दिन मैं जाके IO को जाके सारी सबमिट करा दिया, सब कुछ करा दिया। अब जब हो जाती है, जब 2 मई की घटना होती है, 2 मई शाम को 5 बजे मेरी माँ का रोते हुए कॉल आता है, कहाँ है, आ जा, मार लिया हमको, पीट लिया, आदमी आ गए, औरतें आ गई। मैंने कहा ऐसे कौन आ जाएगा घर में, कौन कह, नहीं आ गया, हम रो रही है, चिल्ला रही है, आवाज़ें आ रही है। मैं डर गया, होपलेस हो गया, मैं कोर्ट में ही था। मैंने कहा क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं। कहा औरतें हैं, मैंने कहा औरतों को तो औरतें ही देखेंगी, मैं तो क्या करूँ, छेड़ूंगा मैं तो। मैंने 2-3 लेडीज एडवोकेटों के हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मेरे साथ चलो, मेरी समस्या है, चलो। वो चली मेरे साथ। जैसे मैं घर के अंदर घुसता हूँ, घर के ताले टूटे हुए होते हैं, माँ बाप को पीठ के ऊपर बैठे हुए होते हैं। मेरे साथ आते ही मारपीट शुरू हो जाती है, मेरी माँ देखती है पीछे से कि मैं पिट रहा हूँ। और ये कहानी मेरे साथ एसोसिएट गई है, उसको नोच रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मैंने ऐसे करके कह रहा हूँ, तुमने ऐसे गलत किया है, तुमने, हो रहा है मेरे साथ, सब हो रहा है। मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मान लो मुझे, मान लो। मैंने कहा घर से बाहर निकलो, मैं कानून से लड़ूंगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ मैं कानून से लड़ूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं कानून से लड़ूंगा। मैं फिर थाने जाता हूँ। जो कहते हैं जी, मैंने कहा जी मेरी DD एंट्री करो, ये करो। कहते जी इसमें 2-2 दिन भी लग जाते हैं। मैंने कहा 2 दिन लग जाते हैं, मैं 2 दिन यहीं बैठा रहूँगा। मैंने कहा मैं लेके जाऊँगा। फिर उन्होंने मेरी
हाथ में दिया, उनका जी ठीक है एमएलसी दूसरी पार्टी को पहले कराने के लिए भेज दिया। मेरे रात के 12:30 बजे मेरी, मेरे पापा की, मदर की, एक एसोसिएट और जो जिसकी ज्यादा चोट लगी थी उसकी हम एमएलसी कराते हैं। मैंने फोन किया जी क्या हो रहा है, उनके हाँ जी चल रही है कार्रवाई चल रही है। जैसे ही मैंने कहा जी सर गलत मत करना तुमने धोखा दिया, सुबह पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट तो एफआईआर काटी, मेरी तो एफआईआर काटी, उसकी तो बड़े खुश होकर बता रहे हाँ जी आपका काम हो रहा है। मैंने कहा चलो भैया, मैंने कहा भैया देखो धोखा मत देना आप, लोग रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे पिताजी भी दिल्ली पुलिस की नौकरी करके गए हैं, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। मैंने कहा भैया तुम्हें पैसे के जोर तो पैसा ले लेना, धोखा मत करना ऐसे यार, तुमने पहले भी ऐसे कर दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, पैसे भी खाते हैं लिया मेरे से, मैं नाम नहीं लूँगा। फिर पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट भी एफआईआर कर दी, मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं, मेरी भाभी का कोई लेना देना नहीं, मेरी भाभी भाई, मेरी वाइफ इस बार भाई के ऊपर भी एलिगेशन लगा देती है, सबके ऊपर एलिगेशन, घर के अंदर घुस रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, एमएलसी उनकी कराई जा रही है, उनके छोटे दिखाई जा रही है, वो अनर्थ हो रहा है, मेरी हेल्प करो, आप सबसे रिक्वेस्ट है। अभी जो आपका ये केस है मतलब थाने तक ही सीमित है, कोर्ट में कुछ इसमें चार्जशीट वगैरह फाइल हुई है, क्या हुआ है? नवंबर 2021 की घटना की आज तक भी कुछ नहीं हुआ है, ना कोई चार्जशीट फाइल, कोई चार्जशीट फाइल नहीं है। ज्यादातर मैं कहता हूँ जी मेरे जो मारा था मुझे ग्रीवियस इंजरी है उसका, तो पिछले वाला हिला देगा, तुम्हारे ऊपर भी 370 का है, 354 का है, मैं चुप हो जाता हूँ, झूठी एफआईआर करा दे। आपका असला था जो आपको, आपने थाने से लिया था, आपने आपको हैंडओवर कर दिया है, अभी थाने में है, वो थाने के अंदर ही है। अच्छा। उसकी रिकवरी मेरी वाइफ से और उनके घर वालों से हुई है। तो आप उसमें चाहते हो कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे रिकवरी हुई? मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो उस दिन से पुलिस क्यों नहीं कर रही है उस पर कानूनी कार्रवाई? पुलिस जाने सर, पता नहीं पैसा खा रही है क्या कर रही है, या हम अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं, अपने ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि जो आपका पैसा है 15-20 लाख रुपए वो आपको मिलना चाहिए? क्या रिक्वायरमेंट या आपकी डिमांड क्या है? मरने से मैं डरता नहीं हूँ, 16 साल का था 17 साल का था, गोली सामने से जा रही थी, देखा मैंने सामने से कैसे गोली जाती, नहीं डरता मैं मरने से, नहीं डरता, कभी भय ही नहीं हुआ कि मर जाऊंगा, कुछ हुआ ही नहीं है सर, मेरे घर में आके घुस के मार रहे चार, मैं कहता हार गया, हाउस ट्रेस पास बनता है। डीसीपी के यहां पे सर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं जाता, हाथ ही जोड़ सकता हूँ, पैर छू लेता हूँ, बड़ा दिखता है, पैर छू लेता हूँ। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी क्या कहते हैं? कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, अब कार्रवाई ऐसी हो रही है, अब आपके सामने कार्रवाई कैसी हो रही है सर? वकील भाई है, वकील जो है भाई है, अगर जैसे फौज में सेना है ना, दोस्त रहते हैं हम, जैसे कोई बीमार है उसको खाना, भाई बीमार है इसका खाना बनाओ, खाना इसका ही टेबल पे आएगा, ये बीमार है उसकी सेवा करते हैं, ऐसे यहाँ भाई वकील है, इन्होंने बहुत प्यार दिया है, कुछ नहीं चाहिए इनसे, इन्होंने बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इनके लिए मैं तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ, जब तक चाहेंगे मैं तैयार हूँ, इनके राज्य के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आप थे एक सर्विस मैन, जैसा बताया बड़ी भावुक कर देने वाली कहानी है उनकी, जो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ससुराल पक्ष जो ये आरोप लगा रहे हैं और जो उधर से पुलिस भी नहीं सुन रही, यही एक सर्विस मैन एक फ़ौजी के साथ में ये हो रहा है, आम लोगों के साथ में क्या होता होगा आम जिंदगी में, आप समझिए। इस खबर को बनाने भर का उद्देश्य भर सिर्फ इतना था कि ताकि ये बताया जा सके कि लोग ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के साथ में शोषण नहीं होता, का शोषण नहीं होता, या फौजियों का बड़ा मान सम्मान दिया जाता, पढ़े लिखे भी हैं, फौजी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और दिल्ली जैसे देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनका इतना शोषण हो रहा है, उनकी बातों से ऐसा लगा, तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग इस भारत में जो गांव देहात में जो हम रोज़ हम लोग डिस्कस करते हैं पत्रकार साथियों के साथ में, हम किसी का इंटरव्यू करते हैं, किस देश भर में जो गांव में गलियारों में जो आम लोगों के साथ में जिस प्रकार से शोषण होता है वो किस लेवल का होता है जब इनके साथ में है। तो मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। अगर आपको लगे कि ये बात आगे तक जानी चाहिए तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।